तो दोस्तों लीजिए आपके सामने एक और दृश्य इस किले का, धामोली का दुर्ग। सब किनारे बाहर के किनारे टूट चुके हैं। सब जो अवशेष आप देख पा रहे हैं ये इस पे आक्रमण हुआ था दोस्तों, इस दुर्ग पर, इस किले पर आक्रमण हुआ था और आक्रमण के अवशेष आप देख पा रहे होंगे, चिन्ह आपको स्पष्ट दिखाई पा रहे हैं। दीवारें हाँ सब ध्वस्त हो गई, सब दीवारें ध्वस्त हो गई, सुरक्षित है। जो बाहर जो बढ़ती है बाहर की, ये सब तोपों ने ध्वस्त कर दी हैं दीवारें। और दोस्तों आपको अगर इस किले के बारे में, इस दुर्ग के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए है तो आप वृंदावन लाल वर्मा की कचनार उपन्यास जरूर पढ़ें दोस्तों, जिसमें से आपको इस दुर्ग के बारे में, इस किले के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। और आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि अभी मैंने आपको बाहर किले के बाहर जो एक छोटी सी आपको मैंने वो दिखाई थी मशीन कि किस तरह चूना तैयार किया जाता था, ये वो चूना है दोस्तों। इस चूने के द्वारा, ये चूना है, सीमेंट है सर, चूना 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 है, चूना में रोड़ा मिलाया था, ईंट का रोड़ा। तो ये चूना आप देख पा रहे हो, ये सब कुछ चूना है, ईंट का हाँ रोड़ा मलवा। सीमेंट लगाने का तो प्रश्न ही नहीं है ना, कौन लगाएगा सीमेंट यहाँ के, ईंट पीस के, हाँ ईंट पीस के उसी में पीसते थे। और उसमें घुइया वगैरह डालते, हाँ हाँ सर, बहुत सारा मटेरियल भूसा वूसा डालता था, कोड़ी को पीस करके पॉलिश किया जाता था। ठीक ठीक दोस्तों, ये किला हालांकि मरणासन्न है मगर इसका रख रखाव अगर किया जाता है तो आज भी ये दर्शनीय है, देखने लायक है, सैलानी आएंगे और अपने पूर्वजों द्वारा किए गए निर्माण को निहारेंगे, देखेंगे और आनंदित होंगे। दोस्तों मैं तो ये जानता हूँ कि जो निर्माण हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया है वो किसी विदेशियों द्वारा किए गए निर्माण से कोई कमतर नहीं है। उन्होंने भी अपनी क्षमता और परिश्रम से ऐसे स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं जो आज हम देखते हैं, तो आज हम भी अपनी दांतों तलियों भी दबा लेते हैं दोस्तों। अब ये स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये पता नहीं क्या है, क्या है सर, ये सैनिकों का निवास है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये सैनिक यहाँ रहा करते थे। क्विकली क्विकली यहाँ से सैनिक पुकारे जा सकें इस दुर्ग की प्राचीर पर दुश्मन से भिड़ने के लिए, दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए और इस दुर्ग की रक्षा करने के लिए सैनिक जल्द से जल्द आ सकें, इसलिए यहाँ सैनिकों को रखा जाता था दोस्तों, ऐसा ऐसा भी मुझे बताया गया है। और ये शोध का विषय है दोस्तों कि किस जगह किसको रखा जाता था, क्या निवास स्थान था उसका। और छोटे छोटे से कमरे अपने आप में स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण देते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। एक प्रवेश द्वार है, छोटा सा द्वार, प्रवेश द्वार ये उत्तर दिशा की ओर, सुरक्षा की दृष्टि से या दुश्मनों से बचाव के लिए, दुश्मनों के बचाव के लिए या दुश्मनों के से दूर से निगाह रखने के लिए ये द्वार का निर्माण किया गया होगा उस समय, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से देखो दोस्तों, काई खाई की खाई है, लगभग 300 से 400 फीट गहरी खाई यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, इस द्वार के नीचे से। इधर भी एक नाला है, ये एक नाला बताया गया है कि एक नाला है, इधर धसान नदी की शाखा का एक नाला है। कल कल की आवाज आप सुनाई पड़ रही होगी आपको, अगर ध्यान से सुने आप तो नाले में बहता हुआ पानी आपको स्पष्ट सुनाई देगा दोस्तों। और हम आगे बढ़ चले हैं दोस्तों, मैं आपको कह चुका हूँ कि आप जब भी यहाँ आए तो कृपया वर्षा ऋतु में ना आए, आप जाड़े में आए या ग्रीष्म ऋतु में आए, उमस की वजह से हालत हमारी इतनी अच्छी नहीं है, मगर फिर भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आनंदित करेंगे। और आप एक और बावड़ी देख सकते हैं दोस्तों, ये गुप्त रास्ता बताया गया है, ये नदी के पानी लाने के लिए, पानी के लिए एक गुप्त रास्ता है जो सीधे हमारे किले के अंदर प्रवेश करता है उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार से। यहाँ से नदी से पानी लाया जाता था सैनिकों के लिए और अन्य लोगों के लिए, अभी यह बताया गया। और देखिए दृश्य देव दोस्तों, आप
आनंदित हो जाएंगे इस दृश्य को देखते हुए। दोस्तों हवा अभी शांत है, उमस बहुत लग रही है, इसलिए मैं इतना प्रफुल्लित वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, मगर फिर भी देखने लायक दृश्य है ये। और रास्ता यहाँ का उतना ठीक नहीं है सर, बहुत संभल संभल के चलना है सर जी, ये आगे ना जाए। और बड़ा ही, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा प्रवेश द्वार है इस बावड़ी में जाने का। यहाँ से पानी लेने के लिए जाते थे, केवल सिंगल आदमी के जाने का ये व्यवस्था है यहाँ पर। और इसके बगल में मैं सुरक्षा का भी ध्यान घाट की, ये सुरक्षा का ध्यान रखा गया है घाट पर। और देखिए दोस्तों कितनी ऊंची प्राचीर है इस दुर्ग की, कि आदमी सोच ही नहीं सकता यहाँ से इसे क्रॉस करने का। और ये स्ट्रक्चर मुझे बताया गया है कि मुगल कालीन है, गोल कालीन ही स्ट्रक्चर है। और नीचे से उठाया गया है पूरा फुल, और बहुत ही मेहनती और बहुत ही साहसपूर्ण ये कार्य है दोस्तों। उधर मत जाओ सर मेरे ख्याल से, तो चलिए आप कह रहे हैं सो। अब हमारे इतिहासकार साहित्यकार हमारे श्री राम गोपाल जी रघुवर जी जहाँ भी जाते हैं उसको पूरा, जब तक उसका अध्ययन ना कर लें उसका उनको वो नहीं रहता है, इसलिए हम भी उनके साथ हैं, जहाँ वो जाएंगे हम भी उनके साथ ही जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल क्या उस समय की क्या व्यवस्था थी, कैसे वहाँ उस टाइम के लोग रहते थे, कैसे पानी लेके आते थे, कैसे अपनी सुरक्षा करते थे, कैसा उनका रहन सहन था, सब हम बताएंगे। अब यहाँ से मुझे बताया गया है कि यहाँ नीचे नहीं जाया जा सकता, जाया तो जा सकता है मगर हम जाएंगे नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। मगर फिर भी आप यहाँ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो निर्माण किया, रास्ता है एक रास्ता है जो अभी काफी नीचा है और समझ में नहीं आ रहा है, और सुरक्षा की दृष्टि से कुल मिला के जाना वहाँ ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं समय का तो बहुत ही ज्यादा अभाव है हमारे एक साहित्यकार जी। ये क्या है सर, ये कुछ इधर कुछ होगा सैनिकों के लिए, कमरा होगा। चलिए सर वो मस्त लग रही है, चलिए दोस्तों अब हम आपको पुनः वापस लिया करते हैं। दिखा दिया ये देख लीजिए, और इस बगल वाली दीवार के रास्ते हैं दीवारों से अंदर से क्रॉस होके अपने आप में जो ये इसका जो मैप बनाया गया होगा वो बड़ा अद्भुत, उस समय के जो आर्किटेक्ट रहे होंगे वो वाकई अद्भुत रहे होंगे, उनका दिमाग आज के आर्किटेक्ट से कमतर नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने जो आर्किटेक्ट हजारों वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, कि जो आर्किटेक्ट ने अपना दिमाग लगा के जो मैप बनाया इस भवन का वो अपने आप में अद्भुत है। मैं भी इस व्यवस्था को देख के हस्तप्रद हूँ कि उस समय उन्होंने ऐसा निर्माण किया, और कैसे किया ये एक शोध का विषय है, जिस शोध पर हमारे श्री राम गोपाल जी रघुवर जी कार्य कर रहे हैं, समय पर हम आपको अवगत कराएंगे। और मुझे तो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त आश्चर्य हो रहा है कि उस समय क्या सामाजिक व्यवस्था रही होगी, क्या सैनिक व्यवस्था रही होगी, कैसा वो भरण पोषण करते होंगे, कैसी खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, उस हिसाब से उन्होंने आज भी दीवारें कैसे मजबूत खड़ी हैं हजारों वर्षों बाद भी। पुनः दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ, बरसात में इस जगह ना आए, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु यहाँ आने का बेस्ट समय है, मार्च तक आप यहाँ आ सकते हैं, अक्टूबर से मार्च तक का समय इस स्थान पर विजिट करने का सर्वोत्तम है, आप कभी भी इस समय में आए। यहाँ कोई फीस नहीं है दोस्तों इस क्षेत्र को घूमने के लिए, बस ये है कि हो सकता है स्थानीय कोई गाइड आपको अगर मिल जाता है तो वो आपको सब घुमा देगा, बाकी कुछ स्ट्रक्चर में डर भी लगता है क्योंकि काफ़ी हजारों वर्ष हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। अब हमारे श्री राम गोपाल श्री अखबार जी तो आराम करना चाहते हैं,
60 साल के हुए हैं। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इस जगह पे घूमने में, और मैं हमेशा याद रखूँगा इस दिन को, क्योंकि मैंने इस दिन में नौरेनु का किला विज़िट किया। और दुख होता है हमारे श्री राजीव नामदेव राणा जी के लिए कि वो यहाँ पर नहीं आ पाए। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे यहाँ पुरातात्विक वैभव है हम लोगों का। और छोटा मोटा जंगल बन गया, जंगल छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा जंगल बन चुका है। किले के अंदर, किले के अंदर का दृश्य अभी आप देख पा रहे हैं। कभी यहाँ शेर भी आ जाया करते थे, कभी यहाँ शेर भी, जंगली जानवर भी आ जाया करते थे। और अगर आप इस किले से वाकिफ नहीं हैं तो आप इस किले में खो भी सकते हैं। इस किले का जो मुझे आकार बताया गया है, और उस आकार में जंगल है, कई किलोमीटर का परकोटा है, कई किलोमीटर का इसका परकोटा है, ऊंची ऊंची प्राचीर से ढका हुआ, रास्ते उबड़ खाबड़ हैं। और आप देख पा रहे होंगे बच्चे लोग, स्थानीय बच्चे लोग यहाँ पर पार्टी मना रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस दिवस है, भारत माता की जय इंकलाब के नारे लगाते हुए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता ठीक रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हाँ, किले के तो भीतर ही हैं। मैं भी दोस्तों काफ़ी वर्षों बाद, मेरा जन्म भी पहाड़ों के बीचों बीच एक नगर बसा हुआ है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच, सतपुड़ा पर्वत तवा नगर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ दोस्तों। वहाँ भी जंगलों की भरमार है। काफ़ी दिनों बाद मैं जंगल में भ्रमण करता हुआ, और मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। बस थोड़ी गर्मी परेशान कर रही है। और हम आ चुके हैं अब मुख्य द्वार के समीप। अभी तक मैंने जितने भी यहाँ के बुंदेलखंड के किले, बावड़ी, मंदिर और भग्नावशेष देखे हैं, उसके जो बनावट की शैली है और इस किले की शैली है, उसमें बहुत अंतर देखने को मिला दोस्तों। है नदी दुर्ग, नदी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है इस दुर्ग को। ये नदी से जुड़ा हुआ है, संभवतः इसीलिए इसे नदी दुर्ग कहा जाता है। और हम किले की प्राचीर से बिल्कुल सट कर अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचते हुए, क्योंकि सच बताया तो हम रास्ता भूल चुके हैं कि हम कहाँ से अपने प्रवेश द्वार तक पहुँचे। बस हमें इतना प्यार, इतना याद है कि हम किले के अंदर ही हैं। और घनी झाड़ियों में से अपना रास्ता बनाते हुए हम आगे गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं श्री रामगोपाल जी रखवार, और काफ़ी ख़तरनाक रास्ता हम पार करते हुए। ये तो एक डिस्कवरी का वो हो गया, डिस्कवरी का एपिसोड शूट हो गया। साथ रहा हूँ।
दोस्तों बड़ा ही खतरनाक रास्ता है आप लोगों के सामने, मगर हम निकलेंगे इस रास्ते से। हम लोग लगभग प्रवेश द्वार की ओर पहुंचते हुए, और हमने बहुत कठिन रास्ता तय किया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर पहुंचते हुए बहुत देर बाद से एक पगडंडी नजर आई है हमको, उस पगडंडी पे आगे बढ़ते हुए, मगर वो आगे बढ़ने से पहले खत्म हो गई। फिर वापस जा रहे हैं, मुझे लगता है हम यहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं वापस। दोस्तों हम रास्ता खोज रहे हैं, रास्ता अभी हमको मिल नहीं पा रहा है, एक प्रकार से हम उस समय के लिए खो गए हैं। हम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस बात से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये किला कितना बड़ा है, और इस किले में जो जंगल है वो कितना विशाल है। उस जंगल की विशालता से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम लोग भटक चुके हैं, हम रास्ता खोज नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारे पास 4G मोबाइल हैं दो, और अब लगता है कि हमें रास्ता मिल चुका है। हमें चिंता भी हो रही है हमारे सहकर्मी श्री राजीव नामदेव की, कि उनका स्वास्थ्य ईश्वर ठीक रखे। कुछ ही क्षणों बाद हम उनके पास पहुंचेंगे, और चारों ओर मेरे आप देख पा रहे हैं, चारों ओर ये किला वन से ढका हुआ है, और हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत कठिन रास्ता कर हम यहाँ पर आए हैं। बहुत मज़ा आया आज तो। फंसा रही कैसे, काई की फंसने वाली हो कोई बात ही। दोस्तों ये जो दोस्तों ये वही मस्जिद है जो मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ आगमन से जस्ट बाद मैंने आपको ये मस्जिद दिखाई थी, तीन गुंबद वाली, ये वही मस्जिद है। हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं, और ये प्रवेश द्वार जो गौड़कालीन प्रवेश द्वार, पुराना भग्नावशेष ये मैंने आपको दिखाया था, ये हम यहाँ आ चुके हैं। दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है, अगर आप इतिहास और पुरातत्व में जरा सी भी रुचि रखते हैं, आपकी रुचि जरा सी भी है, तो आप इस प्लेस को मिस ना करें। ये छतरपुर ललितपुर ज़िले के मेहरौनी तहसील के अंतर्गत सागर ज़िले के अंतर्गत कौन सी जगह, धामोनी तहसील है ना, तहसील के अंतर्गत ये जिला पड़ता है, बंडा तहसील के अंतर्गत ये धामोनी कस्बा पड़ता है, वहाँ ये किला है दोस्तों। और बहुत ही अद्भुत ये किला है अपने आप में, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है, इसकी जो रूपरेखा है, इसकी जो कारीगरी है, इसकी जो नक्काशी है, अपने आप में अद्भुत है दोस्तों। ये कई आश्चर्यों को अपने आप में समेटा हुआ ये किला है,
और हम श्री राम गोपाल राय कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इस किले पर अपनी लेखनी चलाएं और इसके गुण तथ्यों से हमें अवगत कराएं। श्री राम गोपाल जी राय कुमार जी आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों बहुत कुछ और भी कहना है इस किले के बारे में।